हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिम टी टेन क्रीम ब्लीच एंड एवरी गोल्डन ग्लो पील ऑफ मार्क्स के रिव्यू करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, दोनों ही नेचुरल है, नेचुरल ग्लोइंग स्किन के लिए। सो फ्रेंड्स, दोनों ही 15 मिनट तक फेस पे रखने के लिए है। तो ये दोनों करते ही आपके फेस में ग्लो आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपकी टैन की प्रॉब्लम हो गई है इस समर में, सो उसको भी ये रिमूव करेगा। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं फेम टी टेन क्रीम ब्लीच की फॉर एक्टिव टैन रिमूवर विथ ऑरेंज पील। ये कुछ इस तरीके की आउट ऑफ पैकेजिंग है इसकी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर दी हुई है। इस वन यूज से ही आपका टैन रिमूव हो जाएगा। इसमें 3 स्टेप एक्शन है। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस सिर्फ 40 रुपया है, यानी कि 40 फ्रेंड्स। और इसके लगाने के तरीके से आप इसे चिल्ड्रन से दूर ही रखें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब भी ब्लीच करें रात को ही करें, क्योंकि हमें 8 से 10 घंटे तक फेस पे कुछ और नहीं अप्लाई करना और सन में नहीं जाना, यानी कि धूप में नहीं जाना। और इसका वेट, नेट वेट है सिर्फ 10 ग्राम और ये ब्रांड डाबर का है। सो फ्रेंड्स, अब खोलते हैं इसकी इनर पैकेजिंग, देखते हैं। यह इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है। सो फ्रेंड्स, हमें क्रीम मिल रहा है, एक्टिवेटेड पाउडर मिल रहा है और ये एप्लीकेशन चम्मच भी मिल रहा है और 2 T10 प्री ब्लीच क्रीम मिल रहा है। एक तो आपको जहाँ जहाँ ब्लीच कराना है वहाँ पर इसको अच्छी तरीके से लगा लेना है, मसाज नहीं करना है। और तब उसके लगाने के बाद, सो फ्रेंड्स, अब आप लोग सोचेंगे दोनों तो पैकेजिंग सेम है और दोनों में ही T10 ब्लीच क्रीम है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं एक में प्री ब्लीच क्रीम है, एक में पोस्ट ब्लीच क्रीम है। पहले आपको प्री ब्लीच क्रीम लगाना है, लगाकर ब्लीच अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद पोस्ट ब्लीच क्रीम अप्लाई करना है। इसे आपको मसाज करना पड़ेगा जब तक कि ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। सो फ्रेंड्स, इसे एक यूज से ही आपका पूरा टैन रिमूव हो जाएगा। और इसे लगाने के बाद सिर्फ 15 मिनट ही रखना है। ध्यान रखिए, प्री ब्लीच हमें मसाज नहीं करना है, सिर्फ अप्लाई करके उसके ऊपर ही ये यूज़ कर देना है। और दूसरा, इसे ठंडे पानी से धोकर अपने ब्लीच को 15 मिनट बाद एक सॉफ्ट टॉवल से अपने फेस को डैब डैब करके पोंछने के बाद ये पोस्ट ब्लीच क्रीम अप्लाई करके मसाज करना पड़ेगा। सो रात में आप इवनिंग को कर सकते हैं, 7 या 7:30 बजे, 8 बजे, फिर रात को सो जाइए। ध्यान रखना है 8 से 9 घंटे हमें फेस वॉश या फिर मुंह पे सोप नहीं अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, ये रही फेम की आप बात करते हैं एवरी यूथ गोल्डन ग्लो पील ऑफ मार्क्स की। सो फ्रेंड्स, ये 24 कैरेट गोल्ड है। इसे आपकी स्किन में एक नेचुरली ग्लो आता है। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई शादी में हो, जल्द में आपकी कुछ फेस में ग्लो लाना है, सो फ्रेंड्स आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप हफ्ते में इसे एक बार घर पर रहते ही यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। और ये भी 15 मिनट के बाद सूखने के बाद आसानी से निकल जाता है, चारकोल मार्क्स की तरह टाइट नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है। मैं तो आपको चारकोल मार्क्स से ज़्यादा इसे ही यूज़ करने के लिए बोलूँगी। सो
सो फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके पोस्ट पास में ही छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, दोनों में ही आप देख सकते हैं, ऑरेंज है, इसमें भी ऑरेंज है और इसमें भी ऑरेंज है। दोनों में ही ऑरेंज है। सो फ्रेंड्स, आप इसे मसाज करने के बाद रात को या फिर आप फेशियल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फेशियल करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपकी फेस से टैन भी रिमूव हो जाएगा, आपकी स्किन भी ग्लोइंग दिखेगी। सो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। बाय फ्रेंड्स।